उस्मान गवर्नर के कत्ल की खबर सुनकर महल वापस चला जाता है, जहां वो खवातीन को राहबा के रूप में देखता है जो कि अपने शेख के हुक्म पर खजाने और मुकद्दस अमानतों की तलाश में वहां आई है। उस्मान इनको गवर्नर का कातिल समझकर इनसे सवाल करता है। इतने में इनका साथी राहिब उस्मान के सर पर वार करता है, जिससे उस्मान बेहोश हो जाता है और वो खजाना और अमानतें लेकर चले जाते हैं। कालारूस अपने सिपाहियों को उस्मान की तलाश का हुक्म देता है। उस्मान का पता लगने के बाद कालारूस इसे पकड़ने के लिए जाता है। उस्मान होश में आने के बाद कालारूस का मुकाबला करता है और महल से फरार हो जाता है। महल से फरार होने के बाद उस्मान राहिब के पास जाता है और उस राहिबा के बारे में दरियाफ्त करता है। राहिब उस्मान को इसका पता बता देता है। इधर दुमदार को उस्मान की वजह से अपनी सांस की फिक्र होने लगती है और वो तुर्क सरदारों का जिरगा मुनक्किद करवाता है। सोफिया के कहने पर कालानूज अपने सिपाहियों से दुमदार की बेटी आयगुल को कबीले से अगवा करवाता है ताकि वो उस्मान से अमानतें ले सके। ये खबर सुनकर उस्मान खुद को सोफिया के हवाले कर देता है। सोफिया उस्मान के महल से फरार होने के मंसूबे को भांप लेती है और सोफिया अपने मास्टर यानिस के गजब से बचने के लिए अपने चंद बेहतरीन सिपाहियों को उस्मान के ताकुब में भेज देती है ताकि वो मुकद्दस इमारतों का सुराग लगा सके। महल से फरार होने के बाद उस्मान राहिबा की तलाश में निकल जाता है ताकि वो गवर्नर के कातिलों तक पहुंच सके। रास्ते में उस्मान को वो खातून तुर्क लिबास में नजर आती है। उस्मान इसे हकीकत बताने का कहता है। खातून इसको हकीकत जानने के लिए अपने साथ आने का कहती है और उस्मान को अपने शेख के पास ले जाती है जो कि उस्मान के बाबा अर्तुरुल गाजी के साथी इदाबली थे। उस्मान इनसे वहां आने का मकसद और खवातीन के बारे में पूछता है। शेख इदाबली उस्मान को अपनी बेटी बाला और उसकी साथी गोंचा और साथी राहिब दारसुन के बारे में बताते हैं और साथ ही वो उस्मान को कहते हैं कि वो दिल्लीश की आग से अपने खेमों को रोशन करने और नई सरजमीन के कयाम के लिए यहाँ आए हैं और उस्मान को इस मुकद्दस मिशन में शामिल होने की दावत देते हैं जो कि उस्मान कबूल कर लेता है। Cheating?